सुप्रभातम बच्चों, हम लोग कक्षा सप्तम विषय संस्कृत से अष्टादश पाठ पढ़ेंगे। 18 पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है होलिको उत्सव, मीन्स होता है होली का त्यौहार। ठीक है, तो होली के त्यौहार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सभी अपने बुक पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रिय उत्सव होलिका उत्सव अस्ति। छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रिय उत्सव होली का उत्सव या होली का त्यौहार है। जना उत्सव सुनते आनंदम अनुभवन्ति, लोग इस उत्सव का नाम सुनकर ही आनंद का अनुभव करते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश से जना नाम इमा उत्सव प्रति अनिष्ठा लक्ष्यते। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोग जो है इस उत्सव के प्रति उत्सुकता दिखाते हैं। अस्माकं प्रदेशे अनेक उत्सव समायोज्यन्ते, तो हमारे प्रदेश में अनेक उत्सव जो है वो समायोजित किए जाते हैं, मतलब मनाए जाते हैं। पर होलिका उत्सवस्य वैशिष्ट्यम् अनुपमेयम् अस्ति। परंतु होली की विशेषता यह है कि अनुपमेयम् अस्ति, मतलब होली की विशेषता यह है कि इसकी कोई उपमा नहीं हो सकती। ठीक है, आगे होलिका उत्सव फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायां संपद्यते। तो होली का जो त्यौहार है वो फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अस्य उत्सवस्य आगमनम समशीतोष्ण ऋतु काले भवति। तो इस त्यौहार के आगमन का समय जब ठंडी और गर्मी दोनों क्या होते हैं, समान रूप से होते हैं, तब मनाया जाता है या तब होता है। बसंत आगमने सर्वासु दिशासु सस्यानि आच्छादितानि भवन्ति। तो यहाँ पर बसंत ऋतु के आगमन के समय सभी दिशाओं में क्या है, सस्यानि मीन्स होता है हरियाली छा जाती है। उद्यानेषु नवपुष्पाणि विकसन्ति, और बगीचों में नए पुष्प क्या है खिलते हैं। मयूरा नृत्यन्ति, मयूर जो है वो नृत्य करते हैं। पिका गायन्ति, और कोयल जो है गाती है। अस्मिन् समये सर्वेषां प्राणिनां हृदि प्रफुल्लता संचरित। तो इस समय सभी जीवों के हृदय में क्या है, प्रसन्नता का संचार होता है। छत्तीसगढ़ कृषि प्राधान्य प्रदेश अस्ति। तो छत्तीसगढ़ जो है वो कृषि प्रधान प्रदेश है। अधिकाधिक जनानां जीवनं कृषौ एव अवलम्बितम्। तो यहाँ के अधिकतर लोगों का जो जीवन है वो कृषि पर ही, मतलब खेती पर ही आश्रित है। कृषकाः षण्मास पर्यन्तं कृषि कार्यं व